यहां एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एच अपॉन टू पाई। जब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, टू एच अपॉन टू पाई। जब एन इक्वल टू क्या हो गया, टू, थ्री एच अपॉन टू पाई। जब एन इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। इस तरह से बढ़ता जाता है। इफ दिस मीन्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है? ये एच अपॉन टू पाई, ये क्या इंडिकेट करता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड हो चुका है। अब सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इसे आपको याद रखना होगा। ये इक्वेशन कैसे आया ये बाद की बात है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ये बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, नमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। और ये होता क्या है कि ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच वन अपॉन एन स्क्वायर, वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 एक्सेट्रा। और यहाँ आर एच क्या है, आर एच रेजबर्ग कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, रिजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। ओके, तो ये हुआ हमारा बोर मॉडल का पोस्टुलेट्स। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट क्या होता है बोर मॉडल का। ओके, इन नेक्स्ट क्लास।